शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के झाकड़ी में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों को पोषण अभियान की सही जानकारी देने के लिए कार्यशाला लगाई गई। इस दौरान क्षेत्र के 366 आंगनबाड़ी केंद्रों से आई कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक फसलों से बनाए विभिन्न पकवानों की भी प्रदर्शनी लगाई, ताकि दूर दराज के गाँव में बैठे लोगों को भी पता चल सके कि कौन सी फसल में किस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और पारंपरिक फसलों से बनाए गए पकवान स्वास्थ्य के लिए जंक फूड से कितने बेहतर हैं। इस दौरान उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताने का प्रयास किया कि स्थानीय फसलों से किस तरह कौन से व्यंजन बनाए जा सकते हैं जो स्वादिष्ट के साथ साथ पोषक भी हो। इससे पूर्व रामपुर के झाकड़ी तक कार रैली का भी आयोजन किया गया, ताकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाकर सही पोषण देश रोशन का नारा दिया जा सके। कार्यशाला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा ने बताया कि दूरदराज के गांव से काफी लोग आए हैं और महिलाएं भी अपने पारंपरिक फसलों के पकवान बनाकर लाई हैं और लोगों को बता रही हैं कि इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उनका मकसद है कि इस आयोजन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जनता तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रोटीन, विटामिन, आयरन स्थानीय अनाजों से बनाए पकवानों में कितना होता है। इसमें बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान को प्रभावी बनाने का आह्वान किया गया, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। CDPO अजय बद्रेल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए झाकड़ी में शिविर लगाया गया है, जिसमें 366 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं ने स्थानीय फसलों के उत्पाद लाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बताया जा रहा है कि इन फसलों से बने पकवान कितने पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण हैं। शिविर से पहले एक कार रैली का भी आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पोषण माह दौरान लोगों को सही पोषण की जानकारी दी जा रही है, खासकर दूरदराज तक लोगों को सजग किया जा सके इसका प्रयास किया जा रहा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास अधिकारी सभी लगातार लगे हैं। लोगों को जंक फूड से हटाकर पारंपरिक पकवानों का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कुपोषण की समस्या दूर हो। जिला सिरमौर की दाड़ो देवरिया पंचायत के कई गांवों में किसान खेती के लिए केवल बारिश के पानी पर निर्भर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंचायत में अभी तक सिंचाई के लिए कोई भी योजना किसानों तक नहीं पहुंची है, जिसके चलते खेती के लिए यहां के किसानों को केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और ऐसे में यदि बारिश न हो या कम हो तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालांकि किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए टैंकों का निर्माण तो किया है, लेकिन इसमें भी केवल बरसात का पानी ही इकट्ठा कर खेतों में सिंचाई की जाती है। आपको बता दें कि इस पंचायत में अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं, ऐसे में यहां के किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके लिए सिंचाई योग्य पानी के साधन उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि किसानों को उनके खेतों में सिंचाई योग्य पानी मिल सके और उन्हें केवल बरसात के पानी पर ही निर्भर न रहना पड़े। वहीं किसान रंजीत सिंह ने बताया कि उनके गांव में पानी की बहुत कमी है और न ही सिंचाई योग्य पानी के कोई साधन है, जिसके चलते उन्हें केवल बरसात पर ही निर्भर होना पड़ता है, और यदि बारिश होती है तो ही थोड़ी बहुत फसल वे उगा पाते हैं, और अगर बारिश न हो तो उन्हें काफी निराश होना पड़ता है। वहीं पंचायत प्रधान गीता शर्मा का कहना है कि यहाँ पानी की हमेशा ही समस्या रहती है, और अगर समय पर बरसात न हो तो किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और इसका
हल केवल यही है कि हमारे यहाँ एक कवाल खड्ड है जिसमें चेक डैम लगाकर पानी लिफ्ट किया जा सकता है, जिसके लिए हमें सरकार से सहयोग की जरूरत है।